हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबीरॉक सीम्स। मेजर लीग सॉकर का एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा लॉस एंजलिस एफसी वर्सेस वैंकूवर के बीच। इसके बाद सीधा 12 घंटे बाद मैच है, इसके बाद सीधा वो होगा शाम को। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि अब इस मैच बहुत अच्छा है। पहले नंबर की टीम है लॉस एंजलिस रैंकिंग में और ये 8वें नंबर की, तो बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पर ये सिंगल साइडेड वन मैच है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड नॉलेजेबल है। सो आगे बढ़ते हैं, तो बात करें इस मैच की। तो लॉस एंजलिस के भाई विनिंग चांसेज इस मैच में है 90% और इनके सिर्फ 10%। तो ये एक तरफा मैच है भाई, 90 भी कम है। मतलब लॉस एंजलिस तो ये मैच जीती हुई है अगर अपनी तकड़ीफ दिखा दे, अपनी फॉर्म पहले जैसी। तो आगे चलते हैं। तो स्ट्राइकिंग की बात करें तो देखिए भाई, स्ट्राइकिंग सेक्शन के अंदर मुझे इनका बॉगस बहुत जेन्युइन प्लेयर लगता है। लोग कह रहे हैं गिरियोड को खिलाएं तो कुछ अलग होगा, क्या अलग होगा, कब होगा ये हम भी नहीं जानते। 10 में से अगर कोई खिलाड़ी 2 मैच में गोल कर भी देता है तो वो मेरी नज़र में बकवास खिलाड़ी है। गिरियोड को खेलना ही नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ है। 2022 के दिसंबर तक ये बंदा तगड़ा था, जैसे ही 2023 चढ़ा इस बंदे ने अपनी फॉर्म खो दी और अभी तक ये फॉर्म के लिए तरस रहा है, ये मेरे को दिख रहा है। इसलिए ना तो मैं के कमारा को लूँगा, ना ही मैं गिरियोड को लूँगा, मैं लूँगा सीधा डेनिस बाउंगा को। और डेनिस बाउंगा के बाद ना इनका एक प्लेयर और है होलिंग्स हेड, जिसको इन्होंने उठा के इधर डाल दिया, जबकि एक डिफेंडर था इसको मिडफील्डिंग में डाल दिया। और सी ओलिवेरा को मैं इसलिए नहीं ले रहा, वो खेल नहीं रहा। तो बचते हैं 2 ऑप्शन, पहला है ई एटविस्टा, सेकेंड वन इज टी टिलमैन। एटविस्टा इज़ फिट बट, और ये भी फिट है बट मैं हमेशा टी टिलमैन को ही लेता हूँ जब मुझे दिक्कत आती है। हालांकि मैं टी टिलमैन को भी बाकी मैचेस में ट्राई नहीं कर रहा था, लेकिन मैं हॉलिंग्स हेड को कभी भी यहाँ पर राय ले नहीं दूंगा लेने की। और जिन लोगों ने गिरियड पे रिस्क लेना है वो ले सकते हैं, बट आई एम गोइंग विद बी वाइट। और एफ पिकोल्ड की बात करें तो मैं पिकोल्ड के साथ भी नहीं जा रहा। और मिडफील्डिंग सेक्शन पे आऊँ तो आर गोल्ड मेन है, इसने हैट्रिक मारी पिछले मैच में भाई, 24 अक्टूबर को पोर्टलैंड टिम्बर्स के अगेंस्ट हैट्रिक की है। 5 गोल आए थे टोटल, 1 गोल इसने किया था बी वाइट ने। और आगे बात करें तो और भी हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर या तो आप क्यूबस को लो या एस आर्मस्ट्रॉन्ग को। और एस आर्मस्ट्रॉन्ग ने जैसे प्रीवियस मैच में 1 गोल किया, मुझे यही दिख रहा है कि फॉर्म तगड़ी है। तो अभी 16% सिलेक्शन है, फ़ायदा उठा लो। एंड डिफेंडिंग की बात करें देन ए लॉन्ग, ठीक है, ए लॉन्ग के बाद एस वलेंशिया, ठीक है। और उसके बाद ना मुरिलो अभी जैसे खेल नहीं रहा, तो मुरिलो की जगह पर ना चेनोट ये लोग कह रहे थे भेजेंगे, लेकिन चेनो मतलब मेरे को कैंपस भी इतना खास नहीं लगा और चेनोट भी मुझे इतना खास नहीं लगता। तो इन दोनों में से मैं एक ही प्लेयर पिक करूंगा भले कोई भी खेले, ठीक है। अभी मैं कैंपस को कर रहा हूं। और 4 डिफेंडिंग में अगर सेग्यूरा खेलेगा तो मैं ज़रूर लूँगा, क्योंकि मैं ऐसे प्लेयर्स जरूर ट्राई करता हूँ जिनकी सिलेक्शन कम हो, नाम कम हो, ठीक है। और बात करें गोलकीपिंग की तो यहाँ पर है वाई ताकाको का, तो यूही ताकाओका के साथ यहाँ पर हम जाएंगे, वैंकूवर का प्लेयर है। एंड कैप्टन की बात करें तो डेनिस, वाइस कैप्टन की बात करें तो बॉगस। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है भाई, मतलब सब लोग इसी को रखते हैं और इसको ही वाइस कैप्टन रखते हैं, बट इसकी जगह और कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यही सबसे तगड़े खिलाड़ी हैं पूरी टीम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।